अयोध्या से निकली मां दुर्गा प्रतिमा की शोभा यात्रा समाप्त पर है। शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुप्तार घाट के निर्मली कुंड में विसर्जित हो रही है, तो कहीं मां दुर्गा प्रतिमा की शोभा यात्रा के दौरान भक्तगण खूब ठुमके लगा रहे हैं। वहीं शोभा यात्रा में सौहार्द का रंग देखा गया है। वहीं शोभा यात्रा कसाब बड़ा में मुस्लिम समाज के लोगों ने केंद्रीय पूजा के पदाधिकारी एवं माननीयों को चुनरी उड़ाई गई तथा चौक में मां दुर्गा की प्रतिमा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की पुष्प की वर्षा। वहीं मंदिर समर्थक मुस्लिम समाज के बबलू खान ने भी पुष्प वर्षा किया और हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने भी पुष्पों की वर्षा की। गाजे बाजे व नगाड़े के साथ नृत्य करते शोभा यात्री में शामिल हुए लोग पर ड्रोन कैमरे से शोभा यात्रा की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम पूरे पुख्ता किए गए हैं। तो वहीं निर्मल कुंड पर विसर्जन के दौरान मां दुर्गा की प्रतिमाओं पर आरती भजन गाकर सरयू नदी में विसर्जन किया जा रहा है। वहीं मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान जल पुलिस की व्यवस्था की गई कि कोई हादसा होने पर जल पुलिस तुरंत पहुंच जाए। ये माता जी का जो बरात निकला हुआ है, हम सब अयोध्या के धरती से, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग आपस में सब लोगों ने मिल करके आपसी एक सौहार्द, हम सब एक हैं, हम हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं है जी। जितना अधिकार हमारे हिंदू भाई का है तो उससे कम अधिकार हमारे समाज का नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, किसी भी, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या ईद हो, बकरीद हो, हर खुशियों में हम लोग शामिल होते हैं।